हेलो बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन कुछ देखेंगे डेरिवेटिव का। वैसे इस टॉपिक के बारे में 12th क्लास में हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन 11th में भी बहुत जगह डेरिवेटिव का एप्लीकेशन होता है। तो कुछ बेसिक आइडिया हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे, जो कि यूजफुल है हम लोगों को। तो और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग देखेंगे रेट मेजर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फंक्शन एंड फोर्थ वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस चार टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पहला है रेट मेजर। रेट मेजर लेट वाई फंक्शन है एक्स का, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। फंक्शन टर्म के बारे में, वाई अगर फंक्शन है एक्स का, मतलब वाई डिपेंड करेगा किस पर? एक्स पर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वेरिएबल का नाम कुछ अलग हो सकता है, यानी बात हम लोग तब हो रहा है जब एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग मैथमेटिकली मान के चल रहे हैं कि वाई फंक्शन है किसका? एक्स का। y का वैल्यू डिपेंड किस पर करेगा? x पर। तो y का क्या वैल्यू होगा ये कौन डिसाइड करेगा? x। फंक्शन एक जस्ट मशीन के तरह है, जिसका इनपुट हो गया x और आउटपुट हो गया कितना? y। मान लेते हैं कि x1 जब इनपुट रखे तो आउटपुट आया कितना? y1। और इनपुट x2 बदल के हमने कर दिया कितना? y2। तो चेंज इन x कितना हो गया? x2 माइनस x1। और चेंज इन y कितना हुआ? y2 माइनस y1। तो ये y2 माइनस y1 चेंज जो आया y में, वो किसके वजह से? x में x2 माइनस x1 के कारण आया y2 माइनस y1 चेंज। तो एक के कारण कितना चेंज होगा? y2 माइनस y1 अपॉन कितना? x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू चेंज इन y। y कितना? चेंज इन x, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से। और ये क्या कहलाता है? एवरेज रेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो वाई में चेंज आया डेल्टा वाई, वो किसके वजह से? एक्स में डेल्टा एक्स चेंज करने के वजह से। अगर ये डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू कितना? जीरो, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना? डी वाई बाय डी एक्स। और जिस ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जब एक्स में चेंज हमने बहुत ही कम किया, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर स्मॉल ड्यूरेशन में जो चेंज हुआ, जिस रेट से चेंज किया, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स।
अब अगर dy by dx पॉजिटिव है, इसका मतलब y में x के रिस्पेक्ट में y में चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये निगेटिव है, इसका मतलब हुआ निगेटिव रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy dx क्या होता है, रेट देता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन रेडियस बिकम्स 5 सेंटीमीटर। किसी सर्किल का रेडियस, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, किसी सर्किल का रेडियस इंक्रीज करा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। किसी सर्किल का रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज करा, बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय होगा जब हमको क्या, इस रेट से बढ़ा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। एरिया किस रेट से चेंज होगा, लेकिन वो भी तब जब रेडियस कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। यानी हमको दिया हुआ क्या है, dr by dt दिया हुआ है, रेडियस में चेंज होने का रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, da by dt निकालना है, वो भी तब व्हेन रेडियस बिकम्स कितना, जब रेडियस r इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। da by dt फाइंड करना मतलब एरिया में चेंज होने का रेट निकालना है, वो भी कब, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का बात किया जा रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, πr² तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम t के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, da by dt इज इक्वल टू 2πr इंटू कितना, dr by dt, एंड दैट इज इक्वल टू 2πr इंटू 3, दैट इज 6πr। हमको क्या निकालना था, da by dt निकल चुका 6πr। हमको निकालना था da by dt कब, जब रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6π/30πcm² per second। तो ये हो गया हमारा किसमें चेंज होने का रेट, एरिया में चेंज होने का रेट। क्लियर है, अब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकेंड पॉइंट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। और इवन की हम लोग अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। ये एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितना बना रहा है, थीटा। वैसे अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, π-θ। लेकिन ये एंगल x एक्सिस से बन रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज में। हम बात किसमें का, किसका कर रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज में जो एंगल बनता है। तो थीटा लाइन का हो गया इंक्लाइनेशन एंगल, थीटा क्या है लाइन का, इंक्लाइनेशन एंगल। और tan थीटा कहलाएगा इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। सो dy/dx क्या रहता है, अगर कोई कर्व है मान लो y = fx,
तो डी वन आर एस क्या देगा, इस कर्व पर जो टेंजेंट लाइन होगा, टेंजेंट लाइन, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप देगा। अगर ये अल्फा एंगल है तो डी वाई डी एक्स क्या रहता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स। और अगर किसी पॉइंट पर सपोज हमको निकालना है x1 y1 पॉइंट पर, तो डी वाई डी एक्स क्या देगा, डी वाई डी एक्स एट x1 y1, अगर x1 y1 पुट कर देंगे उसमें तो क्या देगा, स्लोप देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x1 y1, स्लोप देता है, एंड दैट इज इक्वल टू, चूंकि अल्फा एंगल बना रहा टेंजेंट लाइन, कितना हो जाएगा, टेन अल्फा। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू वन। तो यहां पर कर्व है y इक्वल टू कौन सा, एक्स स्क्वायर, और ये मान लेते हैं x बराबर वन पॉइंट है, x बराबर वन पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होगा उस टेंजेंट लाइन का हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए x इक्वल टू वन पर। ये कर्व है y बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, तो अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वन है तो y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, वन। यानी हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इक्वल टू कितना, वन, ये फाइंड करना है। तो दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टू एक्स। तो dy डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। जैसे जैसे पॉइंट बदलेगा वैसे वैसे टेंजेंट लाइन का स्लोप बदलेगा। फिलहाल हमें किस पे चाहिए, dy डी एक्स एट x बराबर वन, दैट इज इक्वल टू इंटू वन, टू हो गया। अगर यही हमें चाहिए होता है x बराबर टू पर तो क्या होता है, x इक्वल टू पुट करते तो कितना हो जाता, फोर। सो यहाँ y फंक्शन है x का, dy dx निकाले तो कितना है, टू एक्स। लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए था x इक्वल टू वन पर, तो x बराबर वन पुट कर दिए। अगर हमको टू पे चाहिए होता तो x बराबर क्या पुट कर देते, टू। सो इन जनरल dy dx क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देता है किसी कर्व के लिए, और किसी पॉइंट पर अगर निकालना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप देता है। क्लियर है? अब हम लोग फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग होता क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और कैसे चेक करेंगे, तो उसका बेसिक थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, y इज इक्वल टू कितना है, एफ एक्स, वाई फंक्शन है किसका, x का। इंक्रीजिंग किसको कहते हैं, अगर x को बढ़ाने से, x को x अगर बढ़ता है और उसके कारण y भी क्या हो, बढ़े, देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, पहला पॉइंट। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डी बाई डी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। अगर डी बाई डी एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग है तो डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। वैसे ही जैसे y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर x इक्वल टू या y इक्वल टू सपोज 2x है, इफ x इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू कितना होगा, 2। इफ x इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 4। x को बढ़ा रहे तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहला, दूसरा पॉइंट, डेरिवेटिव कितना होगा, dy dx, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2, जो कि 0 से क्या है, बड़ा। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। वैसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन ये क्या होता है, अगर x को बढ़ाने से y क्या हो, घटे,
और इसके लिए फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स लेस देन कितना जीरो, जैसे y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू एक्स, तो एक्स वन रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा माइनस टू, और x का वैल्यू टू रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा माइनस फोर। यहां x को बढ़ा तो रहे हैं लेकिन y क्या हो रहा है घट रहा है। दूसरा चीज dy dx निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू, जो कि जीरो से क्या है छोटा, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? अब क्वेश्चन कहेगा फाइंड द इंटरवल इन विच और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। तो हमने क्या पढ़ा इंक्रीजिंग के लिए, हमने क्या पढ़ा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और डिक्रीजिंग के लिए क्या पढ़ा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। यानी एफ डैश एक्स जब जीरो से बड़ा होगा, यानी एफ डैश एक्स का साइन जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स जब जीरो से छोटा होगा, मतलब अगर एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग। यानी ये एफ डैश एक्स के साइन पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा एफ डैश एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो एफ डैश एक्स कितना होगा टू एक्स माइनस थ्री। अब हमको फॉर इंक्रीजिंग क्या होगा, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, सो टू एक्स ग्रेटर देन थ्री मीन्स एक्स ग्रेटर देन कितना थ्री बाई टू। जब एक्स का वैल्यू थ्री बाई टू से बड़ा होगा तब वो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग, एंड फॉर डिक्रीजिंग क्या होगा, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन कितना जीरो, सो टू एक्स माइनस थ्री लेस देन कितना जीरो, टू एक्स लेस देन कितना थ्री, सो एक्स लेस देन कितना थ्री बाई टू। यानी जब एक्स का वैल्यू थ्री बाई टू से छोटा होगा तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद थोड़ा सा इलेवेंथ में खासकर फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, मैथ में भी यूज होता है, मोनोटोनोसिटी का थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनोटोनोसिटी के बारे में सॉरी कॉनकेविटी का, तो कॉनकेविटी ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है कॉनकेव। अब ये सरफेस है, बाहर से कोई अगर देख रहा है तो इसको क्या कहेगा कन्वेक्स, और इधर से कोई देख रहा है इसको तो क्या कहेगा इसको कॉनकेव। तो ये सरफेस है, ऊपर से कैसा है कन्वेक्स, इसलिए इसका नाम होगा कन्वेक्स अप, और नीचे से कैसा है कॉनकेव, इसलिए इसका दूसरा नाम भी होगा कॉनकेव डाउन। फिर ये सरफेस अप से ऊपर से कैसा है कॉनकेव, इसलिए इसका नाम होगा कॉनकेव अप, और डाउन से कैसा है कॉनवेक्स, इसलिए नाम होगा कॉनवेक्स डाउन। तो कॉनकेविटी तीन तरह का होता है, एक कॉनवेक्स कॉनकेव अप, दूसरा कॉनकेव डाउन, और तीसरा लीनियर। कॉनकेव अप हो गया, अप से कॉनकेव है, कॉनकेव डाउन हो गया, डाउन से कॉनकेव है, और लीनियर। कॉनकेव अप के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, यहां डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, और यहां डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, सपोज वाई इज इक्वल टू है एक्स क्यूब
तो एक पहला डेरिवेटिव dy by dx कितना होगा 3x square, और फिर से d2y by dx square का मतलब क्या हुआ, dy by dx का डेरिवेटिव, तो 3x square का डेरिवेटिव कितना 6x। तो सेकेंड डेरिवेटिव डिसाइड करता है कॉनकेविटी को। अगर मोनोटोनिसिटी डिसाइड कौन करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन डिसाइड करता है, ये दोनों dy by dx और कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन और लीनियर, ये कौन डिसाइड करता है, d2y by dx square। बस इतना याद रखना है, बाकी टर्म्स को फील करो और उससे याद रखा जा सकता है। जैसे इंक्रीजिंग पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है, बढ़ने का फीलिंग मतलब पॉजिटिव फीलिंग, तो इसके लिए dy by dx ग्रेटर देन कितना होगा, जीरो। डिक्रीजिंग है तो dy by dx लेस देन जीरो, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कौन करता है, dy by dx। फिर कॉनकेव अप तो d2y by dx square ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर d2 by dx square less than 0, और linear है, ना तो increasing है ना ही decreasing है, तो equal to 0 के बराबर। फिर से एक बार, ये convex है, ये concave है, और यहाँ इस side से अगर कोई देख रहा है तो उसको convex दिख रहा है, अंदर से कोई देख रहा है इस surface को तो उसको concave दिख रहा है। इस surface को कोई ऊपर से देख रहा है तो क्या कैसा दिख रहा है, convex, इसलिए इसका नाम होगा convex up, up से, up मतलब ऊपर, अप से कन्वेक्स और डाउन से कनकेव। वैसे ये सरफेस है, अप से कैसा ऊपर से कैसा दिख रहा है कनकेव, इसलिए इसका नाम कनकेव अप, और डाउन से दिख रहा है कन्वेक्स, इसलिए इसका नाम कन्वेक्स डाउन। तो कन्वर्जेंट तीन तरह का होता है, कनकेव अप, यहां जैसे अप से अप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा कनकेव, कनकेव डाउन, डाउन से देखेंगे तो कैसा दिखेगा कनकेव, और लीनियर, ना तो कनकेव अप है ना ही कनकेव डाउन है। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड होता था dy by dx से, वैसे ही कॉनकेविटी डिसाइड होता है d2y by dx square से, और d2y by dx square का क्या मतलब, dy by dx का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, अप है तो जीरो से बड़ा, डाउन है तो जीरो से छोटा, लीनियर है ना ही अप है ना ही डाउन है, तो जीरो के बराबर। जैसे यहां y equal to x cube है, तो एक बार डेरिवेटिव dy by dx निकाले, कितना आया 3x square, फिर से dy dx का डेरिवेटिव, तो उसको लिखते हैं d2y by dx square, फिर से अगर इसको निकालना होता d3y by dx cube, तो कितना होता 6x का 6। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड होता है dy dx से, और कॉनकेविटी डिसाइड होता है किससे, d2y by dx square से। तो d2y by dx square जब जीरो कॉनकेव अप, अप मतलब ऊपर बढ़ने का, बढ़ने का एक फीलिंग आ रहा है तो पॉजिटिव फीलिंग, यानी जीरो से बड़ा, डाउन है तो जीरो से छोटा, और लीनियर है तो कोई फीलिंग नहीं है, मतलब ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। क्लियर है, जैसे फाइंड कॉनकेविटी ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो dy by dx कितना हो जाएगा 3x square minus 6x minus 2, और d2y by dx square कितना 6x minus 6। So for अब साइन स्कीम खींचेंगे 6x minus 6 का रूट आएगा 1, 1 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, 1 से छोटा रखेंगे तो निगेटिव। इसका मतलब 1 से इंफिनिटी में d2y dx square का साइन कैसा है, पॉजिटिव, और माइनस इंफिनिटी से वन में कैसा है, निगेटिव। तो वन से इंफिनिटी में कनकेव अप होगा, इधर हो जाएगा कैसा, कनकेव अप, और इधर कैसा होगा, कनकेव डाउन। क्या है,
तो अब हम लोग एओडी का जो फिलहाल अगला एप्लीकेशन है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो डिसाइड करने के लिए हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को यूज करेंगे। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां एक्स स्क्वायर का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो y का कह लो या फिर एक्स स्क्वायर का कह लो, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। जो हम सीख सकते हैं इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा अभी जस्ट काम भर हम लोग पढ़ रहे हैं 11th के हिसाब से, वैसे पहले ही बोल चुके हैं ये चैप्टर्स 12th क्लास में है, 12th क्लास में हम लोग को पूरा पढ़ना है इसके बारे में। फिलहाल काम भर हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जानते हैं। y अगर फंक्शन है x का, y फंक्शन है किसका, x का, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए दो तरह का टेस्ट है। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या है, जैसे ये मैक्सिमा है और ये क्या है मिनिमा, इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा है और यहां इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सबसे कम है। तो मैक्सिमा होने के लिए इस पॉइंट से पहले स्लोप कैसा होगा, ये थीटा वन छोटा है कितना से, पाई बाय 2 से, और इधर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ये जो थीटा 2 होगा वो बड़ा है कितना से, पाई बाय 2 से। तो थीटा वन जब छोटा है पाई बाय 2 से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी स्लोप कैसा है टेंजेंट लाइन का, पॉजिटिव, यानी dy / dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मतलब dy / dx पॉजिटिव है। और इधर चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, निगेटिव, तो dy / dx यानी स्लोप निगेटिव आया, तो dy / dx कैसा होगा, निगेटिव। यानी जिस पॉइंट पर dy / dx अपना साइन चेंज करेगा, अगर साइन स्कीम खींचे, साइन स्कीम फॉर dy / dx, dy / dx निकाल के उसका साइन स्कीम खींचेंगे, और इस ए पॉइंट से पहले dy / dx का साइन कैसा है, पॉजिटिव, और उसके बाद कैसा है, निगेटिव। तो जिस पॉइंट पर dy / dx अपना साइन चेंज करेगा पॉजिटिव से निगेटिव, वो मैक्सिमा होगा, वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट होगा, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सबसे अधिक होगा। और इधर अगर देखा जाए यहां पे, तो इधर स्लोप कैसा है, dy / dx कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, 10 अगर निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव हुआ, क्योंकि 10 देता है स्लोप, तो dy / dx निगेटिव। और इधर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, तो स्लोप इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक्यूट एंगल यहां बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा, मतलब dy / dx कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो यहां इस पॉइंट से पहले dy / dx का साइन निगेटिव है, और उसके बाद कैसा है, पॉजिटिव है। तो जिस पॉइंट पर dy / dx अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव से निगेटिव, वो पॉइंट होता है मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर dy / dx अपना साइन चेंज करता है निगेटिव से पॉजिटिव, वो पॉइंट होता है मिनिमा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना है, 2। तो पहले क्या निकालेंगे, dy / dx, तो dy / dx कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3। अब साइन स्कीम खींचेंगे dy / dx का, dy / dx का साइन स्कीम मतलब इसका साइन स्कीम खींचेंगे, जिसको जीरो करेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 से बड़ा कोई नंबर सपोज 2 रखते हैं, तो 2 × 4 माइनस 3 पॉजिटिव दे रहा है, और इससे पहले क्या देगा, निगेटिव। तो 3/2 पॉइंट पर साइन dy / dx का साइन हमने खींचा, साइन स्कीम फॉर dy / dx।
3 बाय 2 पॉइंट पर dydx का साइन किधर से किधर चेंज कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव जब चेंज करता है तो वो क्या होता है, मिनिमा। ये केस हो गया किसका, मैक्सिमा का। और ये सेकेंड केस किसका है, मिनिमा का। तो 3 बाय 2 पॉइंट से पहले डेरिवेटिव का साइन कैसा है, निगेटिव, और 3 बाय 2 के बाद डेरिवेटिव का साइन कैसा है, पॉजिटिव। मतलब 3 बाय 2 पॉइंट पर फंक्शन कैसा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y अकर एट x इक्वल टू कितना, 3 बाय 2, एंड y मीन कितना हो जाएगा, 3 बाय 2 पर मिनिमम देगा। तो मिनिमम वैल्यू होगा कितना, 3 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 प्लस 2। कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन दिया रहेगा और फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर डेरिवेटिव का साइन स्कीम खींचेंगे। जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज करेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और जहां पर डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा निगेटिव से पॉजिटिव वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव से, सेकेंड डेरिवेटिव से कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फंक्शन दिया हुआ रहेगा वाई इक्वल टू कितना, एफ एक्स। सबसे पहले फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव। और उसके बाद डी वाई डी एक्स इक्वल टू करेंगे जीरो, यहां से एक्स का वैल्यू आएगा, सपोज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट। पहले डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे फंक्शन का, फिर उसको जीरो के बराबर करेंगे, वहां से एक्स का वैल्यू कुछ कुछ आएगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब हमको पता करना है कि x1, x2, x3 में कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, और कौन सा मैक्सिमा या कौन सा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो इसके लिए फाइंड f डबल डैश x। f डबल डैश x का मतलब एफ एक्स का दो बार डेरिवेटिव, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फाइंड f डबल डैश x, उसके बाद फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स वन। हम लोग पहला डिसाइड कर रहे हैं एक्स इक्वल टू एक्स वन पर चेक कर रहे हैं, एक्स वन पॉइंट कैसा पॉइंट होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन दिया हुआ था, सबसे पहले डी वाई डी एक्स निकाला, या डी वाई डी एक्स कह लो या फिर एफ डैश एक्स कह लो। एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब डी वाई डी एक्स को जीरो के बराबर किए तो वहां से एक्स का वैल्यू आया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वगैरह वगैरह। अब एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, एक्स वन पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं एक एक करके। जैसे हमने एक्स वन पॉइंट पर चेक करेंगे वैसे ही बाकी के पॉइंट्स पर भी चेक करेंगे। तो फिलहाल एक्स वन पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो एक्स वन पॉइंट पर चेक करने के लिए एफ डबल डैश एक्स यानी एफ एक्स का दो बार डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी टू एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू एक्स बराबर एक्स वन पर चेक करेंगे, मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद एक्स की जगह पर पुट करेंगे कितना, एक्स वन। अगर एफ डबल डैश एक्स वन ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब वो पॉइंट होगा मिनिमा। जीरो से बड़ा होगा तो मिनिमा, जीरो से छोटा होगा तो मैक्सिमा, और अगर जीरो के बराबर हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। देन फाइंड एफ ट्रिपल डैश एक्स वन, इफ एफ ट्रिपल डैश एक्स वन नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो जाएगा नाइदर मैक्स नॉर मीन। और एंड इफ एफ ट्रिपल डैश एक्स वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, देन फाइंड एफ फोर एक्स वन, एफ फोर एक्स वन। अगर एफ फोर एक्स वन, इफ एफ फोर एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब होगा मीन। लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब होगा मैक्स। इक्वल टू जीरो होगा तो फिर से आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू
above process until point discussed. जब तक पॉइंट डिस्कस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे. कैसे कर रहे हैं फिर से एक बार देखते हैं. y is equal to fx फंक्शन दिया हुआ है तो dy by dx निकालेंगे या उसी को हम लोग कहते हैं f dash x. f dash x, f dash x का मतलब fx का डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव. और जब dy dx निकलेगा तो उसको जीरो के बराबर करेंगे और वहां से x का वैल्यू कुछ आएगा रूट x1 x2 x3 वगैरह वगैरह. और हमको सारे पॉइंट्स पर चेक करना है तो फिलहाल x equal to x1 पर हम चेक कर रहे हैं और जैसे x1 पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वैसे ही बाकी के पॉइंट्स पर भी चेक करेंगे. x1 पॉइंट पर चेक करने के लिए सबसे पहले f डबल डैश x निकालें, उसके बाद f डबल डैश x का वैल्यू x बराबर x1 पर निकालें at x equal to x1. अगर f डबल यानी f डबल डैश x निकालने के बाद उसमें x के जगह पर x1 पुट करेंगे, अगर f डबल डैश x1 जीरो से बड़ा हुआ इसका मतलब x1 जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा पॉइंट मिनिमा पॉइंट होगा, मतलब x1 पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू देगा. अगर जीरो से छोटा हुआ तो मैक्सिमा, और अगर जीरो के बराबर हुआ तो फिर तीन चार, दो से डिसाइड नहीं होगा तो फिर चार से डिसाइड होगा, नहीं तो फिर छह से डिसाइड होगा. लेकिन चार पॉइंट जाने से पहले तीन वाले का वैल्यू जी चेक करेंगे. तीन वाले का वैल्यू मतलब f ट्रिपल डैश x1 का वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर जीरो के बराबर हुआ तभी आगे बढ़ेंगे, जीरो से के बराबर नहीं हुआ इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन ना तो मैक्स दे रहा है और ना ही मीन दे रहा है. क्लियर है? जैसे मान लेते हैं फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन. तो एफ डस एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस कितना, टू. अब एफ डस एक्स बराबर क्या करेंगे, जीरो. सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना, जीरो. यहां से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर छत्तीस माइनस फोर एसी चाहते चौबीस बाई कितना टू है सिक्स छत्तीस चार चालीस बीस साठ बाई कितना छह. तो टू कॉमन लेते हैं थ्री प्लस माइनस टू रूट फिफ्टीन बाई कितना सिक्स टू थ्री या सिक्स दो रूट आ गया थ्री प्लस माइनस रूट फिफ्टीन बाई कितना थ्री. ठीक है. अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, सिक्स एक्स माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू सिक्स इन टू एक्स माइनस वन. अब एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे थ्री माइनस रूट फिफ्टीन बाय कितना पर, थ्री पर. सो दैट इज इक्वल टू सिक्स इंटू थ्री माइनस रूट फिफ्टीन बाई थ्री माइनस कितना वन, दैट इज सिक्स इंटू थ्री माइनस रूट फिफ्टीन माइनस थ्री बाई कितना थ्री. तो ये कैसा आ गया, सिक्स इंटू माइनस रूट फिफ्टीन बाई कितना थ्री, जो कि जीरो से क्या है छोटा. इसका मतलब इस पॉइंट पर, इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा. तो फिर दूसरा पॉइंट पर वैसे ही चेक करेंगे और उस पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आएगा तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा वैल्यू देगा. अभी जीरो से छोटा आया तो जीरो से छोटा में कैसा होता है, मैक्सिमा. मतलब ये पॉइंट अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे इस फंक्शन में तो इस फंक्शन का क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू. क्योंकि एफ डबल डैश एक्स वन जीरो से छोटा है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन, वो पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा पॉइंट होता है. तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम देगा. तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो इसमें एक्स के जगह पर ये पुट कर देंगे. क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हम लोग बात किए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेसिक पे, जिसका यूज फिलहाल इलेवेंथ के चैप्टर्स में होता है, जबकि इसको पढ़ना है डिटेल में ट्वेल्थ क्लास में. Thank you.